हेलो यूट्यूबर्स, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक नए MS Excel के ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा, बल्कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ करता रहता हूँ तो फ्यूचर में करूँगा तो वो आपके ईमेल पर आपको मिलती रहे, अगर तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है डेट ऐड करते हैं किसी सेल में। अपनी वर्क शीट के किसी सेल पे आप डेट ऐड करना चाहते हो तो किस तरह करोगे, बजाय कि आप देख के लिखो कहीं से टाइम देख के या डेट देख के लिखो। तो वो एक्सेल का अपना फीचर होता है कि वो खुद ब खुद ही मौजूदा टाइम और डेट देख कर वो डाल देते हैं। तो लेट्स से पहले यहाँ पे मैं जो है, ये कितना सेल है, C3। मैं C3 पे जो है डेट डालना चाहता हूँ आज की। तो मैं क्या करूँगा, C3 सेल को सिलेक्ट करके इस तरह जो है एक्सेल में डेट और टाइम को आप डाल सकते हो। दूसरी जो चीज़ बतानी है आज आपको, मैंने एक और चीज़ के साथ ही आज मैं आपको बताऊंगा, वो ये कि आप चाहते हो कि आपने जो पहले सेल में जो चीज़ लिखी है, जो वर्ड टाइप किया है, आप चाहते हो कि पूरे एक कॉलम में वैसा ही वर्ड हो, या आप चाहते हो कि पूरे फर्स्ट ही वर्ड हो, तो उसके लिए जो है मैं आपको आज आपको एक कमांड बताऊँगा। पहले मैं जो है पहले सेल में लिखता हूँ कि मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है पूरी रो में पूरे ए कॉलम में जो है 10 तक आए। तो मैं क्या करूँगा, A1 से लेके A10 तक सिलेक्ट कर लूँगा। करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+D कर दूँगा। ये देखें, सारा भी